हेलो एवरीवन, मैं हूं मधिया और मेरे चैनल का नाम है स्टे विद मधिया। तो आज मैं हाजिर हूं एक और नई वीडियो के साथ। और आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाली है, इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और इंटरेस्टिंग भी होने वाली है, क्योंकि मैं आज आप लोगों को दिखाने वाली हूँ ड्रामा प्लानिंग। ड्रामा प्लानिंग किस तरह से कर सकते हैं हम लोग, और ड्रामा प्लानिंग जो है वो क्या है, ड्रामा प्लानिंग किस तरह से होती है, उसके आगे के जो स्टेप्स हैं वो सारे प्रोसेस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उसके साथ साथ मैं अपनी करंट जो मेरी स्किन केयर रूटीन है वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये वीडियो है आप लोग स्किप करें बगैर देखिएगा, क्योंकि आप लोग वही क्वेश्चंस कर रहे होते हैं जो कि मैं वीडियो से बता चुकी होती हूँ। तो प्लीज़ आप वीडियो जो है विदाउट स्किप देखिएगा, ताकि आप लोगों को सब कुछ पता चल सके कि मैंने ड्रामा प्लानिंग के बाद भी अपने स्किन केयर रूटीन में क्या क्या प्रोडक्ट जो है वो अप्लाई किए हैं। क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस यही होते हैं कि हम इसके बाद ये यूज़ कर सकते हैं, इसके बाद ये यूज़ कर सकते हैं, इसके बाद ये यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए आप एक एक चीज़ देखिएगा कि मैं क्या क्या यूज़ कर रही हूँ और क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और देखते हैं कि ड्रामा प्लानिंग किस तरह से कर सकते हैं। यहाँ हमें स्किन देख सकते हैं कितनी क्लीन, कितनी ग्लोई हो रही है, कितनी ग्लोई है इसकी, नाम भी देख सकते हो। तो बस देखते हैं ये सारा प्रोसेस मैंने किस तरह से किया है। तो चलिए चलकर देखते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ जो है मैंने अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लिया है किसी भी माइल्ड फेस वॉश की हेल्प से। तो यहाँ जो है फेस को क्लीन करने के बाद, ड्राई करने के बाद फेस को मॉइस्चराइज करेंगे। और यहाँ जो है हमें सिर्फ और सिर्फ एलोवेरा जेल ही यूज़ करना है, कोई और ऑप्शन नहीं है, सिर्फ एलोवेरा जेल ही हमें यूज़ करना है, वो भी रेडीमेड। ठीक है, पहले हम फेस पर अच्छे से अप्लाई करके फेस को मॉइस्चराइज कर लेंगे, काफ़ी अच्छी क्वान्टिटी लेंगे, पूरे फेस पर इसको अच्छे से अप्लाई कर लेंगे ताकि फेस के अंदर ऑब्जॉर्व हो जाए, अच्छे से फेस जो है मेरा मॉइस्चराइज हो जाए। काफ़ी थिक लेयर जो है हम अप्लाई करेंगे और फिर वेट करेंगे कि स्किन के अंदर ये ऑब्जॉर्व हो जाए। देख सकते हैं मैंने काफ़ी अच्छी क्वांटिटी ली है। और यहाँ जो है हम ड्रामा प्लानिंग कर रहे हैं, तो मैं बता दूँ ड्रामा प्लानिंग जो होती है वो रेज़र की हेल्प से ही होती है, लेकिन यहाँ जो रेज़र होता है वो काफ़ी शार्प रेज़र जो है वो यूज़ करना होता है, ताकि जो हमारी डेड स्किन है वो भी अच्छे से रिमूव हो जाए। फेशियल रेज़र को किस तरह से रिमूव करते हैं उस पर मैं वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन मैं आज यहाँ पर ड्रामा प्लानिंग रही हूँ, सॉरी मेरी आवाज़ थोड़ी सी ख़राब हो रही है। तो ड्रामा प्लानिंग के लिए जो है हमें शार्प रेज़र की ज़रूरत होती है। तो इसके जो रेज़र हैं वो काफ़ी अलग तरीके के होते हैं, लेकिन हम वो यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि बिगनर, मैं अपने आप को बिगनर ही कहूँगी, क्योंकि वो रेज़र जो होते हैं बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं। और यहाँ जो है मेरे बेबी हेयर्स हैं, हेयर ग्रोथ हो रही है मेरी, तो जब भी हेयर ग्रोथ होती है वो बैक साइड से ही होती है, तो उनको मैंने कवर किया है। खैर मैं ड्रामा प्लानिंग का बता रही थी। तो यहाँ पर जो है हम शार्प रेज़र के लिए हम क्या करेंगे कि बिल्कुल न्यू रेज़र यूज़ कर लेंगे, क्योंकि जो बिल्कुल नियो होता है रेज़र वो काफ़ी जो है वो शार्प होता है बनस्बत उस रेज़र के जो हमने वन टाइम या दो टाइम मतलब यूज़ किया हुआ था। तो वो हम यूज़ नहीं करेंगे, बिल्कुल न्यू रेज़र यूज़ करेंगे ताकि हमारी ड्रामा प्लानिंग जो है वो अच्छे से काम करे। ठीक है, ड्रामा प्लानिंग का जो मैंने डिफरेंस आपको बता दिया कि उसके अंदर से फ़र्क इतना होता है कि रेज़र जो होता है वो थोड़ा सा चेंज होता है, बहुत ज़्यादा शार्प होता है, जिसकी हेल्प से हमारी जो डेड स्किन है वो भी रिमूव हो जाती है। अब यहाँ आप देख सकते हो कि मैंने पहले तो फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लिया था। अब जब हम ड्रामा प्लानिंग स्टार्ट करेंगे उससे पहले भी हम एक थिक लेयर एलोवेरा जेल की अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर जो है काफ़ी थिक लेयर मैंने फेस पर अप्लाई कर ली है, अब इसी पर जो है ड्रामा प्लानिंग स्टार्ट करेंगे। ड्रामा प्लानिंग का जो है समझ में आ गया होगा आपको कि फेशियल हेयर भी रिमूव होते हैं इससे हमारी, और डेड स्किन जो होती है वो भी रिमूव होती है। ये आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा हेयर ग्रोथ है मुझे, जो कि आपके सामने क्लीन हो, ये वैसे नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ हमने मोटी मोटी लेयर लगा ली है एलोवेरा जेल की, और फिर उसके ऊपर से हमने ड्रामा प्लानिंग स्टार्ट करनी है। थोड़े थोड़े स्ट्रोक्स लेकर हमें जो है हेयर जो है फेशियल जो हेयर्स हैं उनको क्लीन करना है, और टिश्यू पर जो है क्लीन करते जाएंगे। इसमें जो है हमारी डेड स्किन जो है वो फूल कर ऊपर आ जाएगी। जब हम अच्छे से फेस को मॉइस्चराइज कर लेंगे तो हमारी जो स्किन है डेड स्किन वो अच्छे से फूल जाएगी और वो ऊपर आ जाएगी। तो आप यहाँ देख सकते हो मैं इसको फास्ट मोड पर भी लगा रही हूँ, ये मत समझना आप लोग कि मैं बहुत जल्दी जल्दी कर रही हूँ, बहुत स्लो अपने हाथ को रखना है, क्योंकि रेज़र जो होगा बिल्कुल न्यू होगा और काफ़ी शार्प होगा, तो कट लगने का डर जो है वो हो सकता है। तो इसलिए आपने बहुत स्लो करना है, बहुत इत्मीनान से, बहुत सुकून से ड्रामा प्लानिंग आप जब भी स्टार्ट करें तो ये देख लें कि आपके पास अच्छा सा टाइम हो, तभी आप करें। बहुत जल्दी जल्दी का टाइम नहीं, काम नहीं है ये, सुकून से बैठ के करने वाला, क्योंकि इसके आगे का जो प्रोसेस है उसमें भी टाइम लगेगा। एक तरफ की जो है मैंने कर ली है, अब सेकेंड जो है हिस्सा, वहाँ पर भी मैं हाफ फेस पर अच्छे से पूरा एलोवेरा जेल को लगा रही हूँ, फिर मैं दोबारा से यहाँ की भी ड्रामा प्लानिंग करूँगी। तो आप देख सकते हो काफ़ी थिक लेयर के बाद मैं फिर यहाँ से भी छोटे छोटे स्ट्रोक्स लेकर
छोटे छोटे स्ट्रोक लेकर मैं क्लीन कर रही हूँ अपने फेस को, देख सकते हो आप। इसके बाद जो फेस निकल कर आएगा आप ख़ुद देखना कितना स्मूथ फ्रेश बेबी स्किन निकल कर आएगी, क्योंकि देखो ये निकल मतलब निकलते हुए नज़र आ रहा है आपको। हमारी जो स्किन है उस पर फेशियल हेयर्स जो होते हैं उसकी वजह से जो है हमारी जो बेस होती है फाउंडेशन वो भी फ्लॉलेस नहीं लगती है, फेस भी हमारा फ्लॉलेस नहीं लगता है। कितनी भी हम स्किन केयर रूटीन कर लें या कोई भी हम फेस पर चीज़ अप्लाई करते हैं तो वो फ्लॉलेस नहीं लगता है फेस। जब हम डर्माप्लानिंग करते हैं उसके बाद हमारा फेस बहुत ही फ्लॉलेस लगता है। ये आप देख सकते हो चिन एरिया भी मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी, फॉरहेड भी, नोज़ भी, नोज़ पर भी हमारे छोटे छोटे से फेशियल हेयर्स होते हैं उनको भी रिमूव कर लेना चाहिए ताकि जो नोज़ है हमारी वो भी अच्छे से शाइन करे। डर्मा प्लानिंग के बाद अब मेरा फेस देखना कितना क्लीन, और अभी आपको वाजी फर्क नज़र आ रहा होगा कि मेरा फेस किस कदर क्लीन और फ्लॉलेस लग रहा है। तो डर्मा प्लानिंग जो है आप लाजमी कर लिया करो, इससे कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है इसके। और जहाँ जहाँ ड्राई होता जाए वहाँ दोबारा दोबारा आप अप्लाई करते जाओ एलोवेरा जेल और फिर डर्मा प्लानिंग करो। ये देख सकते हो आप बहुत ही मज़े से फेशियल हेयर्स और डेड स्किन रिमूव होगी आपकी। आपको ख़ुद को फेस जो है आपका इतना प्यारा लगेगा, इतना फ्लॉलेस लगेगा, क्लीन क्लियर लगेगा, ग्लोई लगेगा। ये सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी सिर्फ एक डर्मा प्लानिंग के बाद। ये आप देख सकते हो आर्च जो बना दी है मैंने, उसकी आईब्रो की जो शेप थी वो बिल्कुल उसी हिसाब से मैंने सारे फेशियल हेयर को रिमूव कर लिया है। ये देख सकते हो मैं दोबारा से एक हाथ और जो है मैं क्लीन करूँगी, एक हाथ अपने फेस पर एक और हाथ लगाऊँगी, सेकंड जिसे कह लें आप। आवाज़ ख़राब हो रही है इसकी वजह से जो है ना मेरी ज़बान भी फंबल हो रही है। तो यहाँ जो है मैंने एक दफ़ा और क्लीन कर लिया है फेस को। अब मैं टिश्यू की हेल्प से पूरे फेस को अच्छे से क्लीन कर लूँगी, जितना भी एलोवेरा जेल है उसको सबको मैं क्लीन कर दूँगी। ये देख सकते हो आप और फेस आपको नज़र आ रहा होगा डर्मा प्लानिंग से पहले मेरा फेस कैसा लग रहा था और डर्मा प्लानिंग के बाद फेस कैसा लग रहा है, एकदम क्लीन एंड क्लियर हो गया है। ये देख सकते हो आप बहुत ही आसान है डर्मा प्लानिंग की। डर्मा प्लानिंग करने के जो कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं डर्माटोलॉजिस्ट हैं बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं, ये आप घर में इजीली कर सकते हो। अब बारी आ जाती है फेस एक्सफोलिएशन की। तो फेस एक्सफोलिएशन का आप देख सकते हो डेड सेल जो है उसको भी रिमूव करता है, स्किन को ग्लो करता है, क्लीन एंड क्लियर करता है स्किन को। सारे बेनिफिट्स होते हैं एक स्किन जो होती है एक्सफोलिएट करने के। तो यहाँ जो है मैं लेमन पील पाउडर ले रही हूँ स्किन एक्सफोलिएटर बनाने के लिए। लेमन पील पाउडर का एक टेबल स्पून मैं ले रही हूँ, ठीक है, फुल नहीं लेना है, ज़्यादा भरा हुआ नहीं लेना है। और यहाँ पर मैं हाफ टी स्पून हनी ले रही हूँ, शहद, ठीक है। और उसके अंदर मैं मिलाऊँगी एक टेबल स्पून योगर्ट दही। ये पहले भी मैं बनाना सिखा चुकी हूँ आपको, ग्लो एक्सफोलिएटर या ग्लो क्लिनजर, ये 2-in-1 है। या वो विटामिन ई कैप्सूल यूज़ कर रही हूँ, एक कैप्सूल, ये आपका क्लिनजिंग का भी काम करेगा, स्किन को एक्सफोलिएट भी करेगा। इसके बाद आपकी स्किन जो है बहुत ही ग्लोई, बहुत ही फ्लॉलेस, क्लीन क्लियर, क्रिस्टल क्लियर जैसे कहते हैं ना, वो आपकी स्किन हो जाएगी। इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है, बहुत ही अच्छा सा पेस्ट बना लेना है। बहुत अच्छे से मिक्स करना है इन सबको। ये मैं मिक्स कर रही हूँ आपके सामने, मैं दिखाऊँगी मिक्स करने के बाद कितनी ब्यूटीफुल एक कंसिस्टेंसी इख्तियार कर लेगा ये। ये देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त एक एक्सफोलिएटर जैसा रेडीमेड एक्सफोलिएटर होता है, बिल्कुल उस तरह से ही लग रहा है। अब इसको लेकर अच्छे से मुझे फेस पर जो है एक्सफोलिएट करना है फेस को, कम से कम 5 मिनट तक। जब हम इसको 5 मिनट तक फेस पर अप्लाई करेंगे तो ये एक उपटन की शक्ल इख्तियार कर लेगा। अब आप सोच रहे हो कि उपटन की शक्ल कैसे, तो आप स्किप मत करो, देखते रहो। 5 मिनट तक इसको फेस पर अच्छे से मुझे मसाज करना है हल्के हाथों से। तो ये जो है क्लीन भी और क्लिंस का भी काम कर रहा है, एक्सफोलिएशन का भी काम कर रहा है। और 5 मिनट बाद जो है ये जो भी एक्सफोलिएटर है या क्लिंजर है, एक्सफोलिएटर कहूँगी मैं इसे, ये एक उपटन की शक्ल अख्तियार कर लेगा, मतलब कि सिमटने लगेगा। जैसे उपटन जो होता है वो लोई बनकर उतरने लगता है, ये बिल्कुल उसी तरीके से हो जाएगा। तो आप देख सकते हो मैं इसको आई एरिया पर भी अच्छे से मैं अप्लाई कर रही हूँ, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है इसका। आइज़ पर भी इसको अप्लाई करें, लिप्स पर भी इसको अप्लाई करें,
इसको जो डार्क सर्कल्स हैं वहाँ भी इसको अप्लाई करें। ये बहुत 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 ही ज़बरदस्त जो है एक एक्सफोलिएटर है। इसको मैंने पहले भी बनाना सिखाया है आपको, और आप इसको रेगुलर भी यूज़ कर सकते हो, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है इसके। टोटल जो है इसमें जितने प्रोडक्ट्स हैं वो सारे अच्छे हैं, सारे बेनिफिशियल हैं आपकी स्किन के लिए, ये आप देख सकते हो। अभी थोड़ी ही देर बाद जब हम इसको करते रहेंगे तो ये देखो स्किन में सिमटने लगा है। पहले तो मैं दिखाऊँ आपको अच्छे से इसको करने के बाद क्या होगा। नोज़ पर करो, चीक्स पर करो, चिन पर करो, उससे ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स जो है वो भी रिमूव होंगे, आपके स्किन आपकी ग्लो करेगी, एकदम रेडियंट हो जाएगी आपकी स्किन। डार्क सर्कल्स हैं तो जो डार्क सर्कल्स पे जो डार्कनेस होती है उसको भी कम करता है। बहुत ही ज़बरदस्त है ये, रेगुलर भी आप यूज़ कर सकते हो आप इसको क्लिंजर के तौर पर। अब आप ये देखो कि ये सिमटने लगा है, ये देखो आपको दिखा रही हूँ, ये देखो ये अब सिमटने लगा है। जैसे कि उपटन हम अप्लाई करते हैं फिर उपटन को जो है हम लोई की तरह उतारते हैं, तो बिल्कुल उसी तरीके से हो गया है। देखो आप फेस पर ये सिमटने लगा और ये उतरने लगा है। तो जितना हो सकता है हम इसको हाथों की हेल्प से ही रिमूव करेंगे, जितना जैसे हम उपटन को रिमूव करते हैं लोई बनकर उतरता है उपटन, तो जितना हो सकेगा हम हल्के हल्के हाथों से इसको रिमूव करेंगे। बिल्कुल ये देखो आप, ये देखो सिमट रहा है। अब आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही थी। 5 मिनट मसाज करने के बाद, एक्सफोलिएट करने के बाद अब ये बिल्कुल सिमट लगा, और आपको स्किन मेरी नज़र आ रही होगी कि ग्लो आ रहा है स्किन पर और क्लीन लग रही है स्किन, जबकि मैंने फेस को वॉश नहीं करा है, फिर भी वाजे फील हो रहा है कि स्किन बहुत ही ज़बरदस्त हो गई है, रिज़ल्ट बेहतरीन है इसका, ये देख सकते हो आप। नेक पर लगाए, कोई भी चीज़ आप करो नेक पर उसको लाजमी अप्लाई किया करो, क्योंकि फिर ऐसा होता है कि फेस का कलर जो है वो अलग लगता है, नेक का कलर जो है वो अलग लगता है, ये देख सकते हो आप। जितना हो सकता है उसको हाथ से आप उतारो, गले से भी जितना रिमूव हो सकता है आप हाथ की हेल्प से उसको उतारो, और बाकी जब नहीं हो रहा है तो फिर उसको आप फेस वॉश कर लो। अब यहाँ जितना हो सका मैंने उतार लिया, बाकी मैं फ़ेस वॉश करके मिलती हूँ। तो ये देख सकते हो आप, अमेजिंग रिज़ल्ट है फेस आप मेरा देख सकते हो, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। आप देख सकते हो मेरा फेस कितना ग्लोई हो गया है, कितना क्लीन एंड क्लियर हो गया है। टिशू की हेल्प से मैं जो उसको फेस को पैट ड्राई कर रही हूँ, देख सकते हो आप, बहुत ही ब्यूटीफुल रिज़ल्ट है इसका, बहुत ही अमेजिंग रिज़ल्ट है। ये एक्सफोलिएट कर लिया है हमने फेस को, अब इसके बाद जो स्टेप है वो है ब्लैक हेड्स रिमूव करने का। वैसे तो ये जो एक्सफोलिएटर है आपके ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स को अच्छे से रिमूव कर देगा, लेकिन अगर आपके फिर भी ज़िद्दी ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स हैं तो आप स्पिन की हेल्प से रिमूव कर सकते हो। मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं ग्लाइकोलिक एसिड यूज़ करती हूँ, तो मुझे ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अगर आपके हैं तो आप इस स्टिक की हेल्प से अच्छे से रिमूव कर सकते हो। अब बारी आ जाती है हमारे फेस पैक की या फेस मास्क कह लें, तो ये हनी टर्मरिक और चिकपी, मतलब कि ग्राम फ्लोर भी कहते हैं, चिकपी फ्लोर भी कहते हैं, बेसन जिसे कहते हैं उर्दू में। तो यहाँ हम वन टेबल स्पून बेसन ले रहे हैं, उसमें हम दूध डाल रहे हैं। दूध जो है हम हसबी ज़रूरत ले सकते हैं, ठीक है, पेस्ट बनाने के लिए। अभी मैंने थोड़ा सा ऐड किया, इसके अंदर मैंने हनी डाला है 1/2 टीस्पून, और मैंने 1/2 टीस्पून जो है टर्मरिक डाला है। अगर टर्मरिक थोड़ा ज़्यादा कम भी हो जाए तो कोई इसमें इशू नहीं है। अब यहाँ देखो पेस्ट बनाने के लिए दूध और ज़्यादा ऐड कर रही हूँ मैं, इसलिए मैंने कहा था कि हसबी ज़रूरत लेंगे, पेस्ट बनाना है हमें, तो दूध हम इसमें लेते जाएंगे जब तक हमारा पेस्ट नहीं बन जाता, ठीक है। तो यहाँ एक हमें अच्छा सा पेस्ट बनाना है, अच्छी सी कंसिस्टेंसी इसकी तैयार करनी है ताकि फेस पर अच्छे से अप्लाई हो सके। ज़्यादा थिक ना हो, फाइन कंसिस्टेंसी, देख सकते हो आप किस तरह से है ये। अब इसको मैं एक छोटे से स्पैचुला की हेल्प से फेस पर अप्लाई करूँगी, ये देख सकते हो आप। चाहो तो फिंगर की हेल्प से भी अप्लाई कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। चाहो तो जो मास्क अप्लाई करने वाले ब्रशेज़ आते हैं उनकी हेल्प से भी अप्लाई कर सकते हो, और इसको भी जो है आपने अपने डार्क सर्कल्स पे भी अप्लाई करना है, लिप्स पर भी आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो। और ये जो फेस पैक है ये मेरा फेवरेट फेस पैक है, क्योंकि अगर आपके डार्क नकल्स हैं, ठीक है, आपकी पूरी बॉडी पर कहीं भी डार्क एरिया है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। आप इसको रेगुलर भी अप्लाई कर सकते हो, कोई हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स इसमें नहीं है,
तो ये वाजी आपको जो है रिज़ल्ट दिखाएगा। आप इसको पूरी बॉडी पर यूज़ कर सकते हो, ठीक है, एज अ बॉडी जेल कह लो या बॉडी वॉश कह लो। तो बॉडी वॉश के लिए भी आप इसको रेगुलर यूज़ कर सकते हो, बहुत ही अमेजिंग इसके रिज़ल्ट हैं। अगर जैसे कभी कुछ, वैसे तो मैं ब्लीच नहीं करती हूँ, लेकिन कुछ लोग ब्लीच करते हैं तो उससे रेडनेस हो जाती है, या स्किन पर रेडनेस आ जाती है, या स्किन ईची हो जाती है, सन टैनिंग हो जाती है, डार्क सर्कल्स हैं, उन सब के लिए बहुत 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 इफ़ेक्टिव है, बहुत ही बेहतरीन फेस पैक है और इसके इंस्टेंट रिज़ल्ट हैं। तो यहाँ जो है मैं फ़ास्ट मोड पर लगाने वाली हूँ, क्योंकि बहुत स्लो चल रही है वीडियो तो सब बोर हो जाएंगे, तो मैं फ़ास्ट मोड पर लगा के अप्लाई कर रही हूँ जल्दी जल्दी से इस फेस पैक को। डार्क सर्कल्स भी अप्लाई कर लूँगी, ये मैंने पूरे फेस पर अप्लाई कर लिया है। अब देखो मैं आईलिड पर भी इसको अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो आप इसको ईजीली अप्लाई कर सकते हो, ईजीली अप्लाई कर सकते हो, मेरी ज़बान बहुत ज़्यादा फंबल हो रही है उसके लिए आई एम सो सॉरी, रेगुलर भी अप्लाई कर सकते हो इसको, आप बॉडी वॉश के तौर पर भी यूज़ कर सकते हो, सन टैनिंग हो गई उसके लिए भी यूज़ कर सकते हो, स्किन डैमेज है उस पर भी यूज़ कर सकते हो। बहुत ही इफ़ेक्टिव जो है ये सन पैक, सॉरी फेस पैक है। आईलिड पर मैंने उसको अप्लाई कर लिया, बाकी जो बचा है उसको मैं नेक पर अप्लाई कर लूँगी। हमेशा कहती हूँ नेक को कभी मत भूला करो, जो भी फेस पर अप्लाई करते हो उसको आप नेक पर लाजमी 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 अप्लाई कर लिया करो, ताकि फेस और नेक की जो स्किन है वो इवन लगे, अनइवन ना लगे, क्योंकि अक्सर लोगों की स्किन जो है वो अलग अलग लगती है, फेस की अलग होती है, नेक की अलग होती है। या मैंने फ़ेस वॉश कर लिया है आफ्टर 15 मिनट्स, 15 मिनट्स इस फेस पैक को रखना है, आफ्टर 15 मिनट्स मैंने फ़ेस वॉश कर लिया और अब रिज़ल्ट आपके सामने है, ऑसम रिज़ल्ट है इसके। तो ये पूरे ड्रामा प्लानिंग के बाद मेरा रिज़ल्ट है फेस का, ठीक है। अब यहाँ जो है मैं साथ ही साथ अपने स्किन केयर भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि इसलिए शेयर कर रही हूँ कि फिर क्वेश्चन आते हैं कि आप ही डर्मा प्लानिंग कर ली है तो क्या ग्लाइकोलिक लगा सकते हैं, क्या वाइटामिन सी लगा सकते हैं, क्या अल्फा आरबुटिन लगा सकते हैं। तो यहाँ मैं पूरी स्किन केयर करके दिखा रही हूँ कि क्या क्या मैं लगा रही हूँ। यहाँ सबसे पहले मैंने टोनिंग के लिए ग्लाइकोलिक एसिड यूज़ किया है, ठीक है, ग्लाइकोलिक एसिड डर्मा प्लानिंग के बाद लगा सकते हैं। तो यहाँ मैंने ग्लाइकोलिक एसिड यूज़ कर लिया, अपने फेस को टोन कर लिया है, टोनर अप्लाई कर लिया है ग्लाइकोलिक एसिड। उसके बाद आई क्रीम यूज़ कर रही हूँ, तो आई क्रीम मैं DIY क्रीम यूज़ कर रही हूँ, ये मैंने ख़ुद बनाई है घर में, ठीक है, बहुत अच्छे से हाइड्रेट करती है और बहुत ही बेहतरीन। अगर आप लोग कहोगे तो मैं इसको भी शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ। ये कॉफ़ी DIY आई क्रीम है, ठीक है, इसको अच्छे से लगाने के बाद मैं मसाज कर लूँगी हल्के हाथों से मिडिल फिंगर की हेल्प से। उसके बाद जो है फिंगर रिंग की हेल्प से, सॉरी मिडिल फिंगर नहीं, फिंगर रिंग की हेल्प से यहाँ जो है मैं अपना जो अल्फा आरबुटिन और एस्कॉर्बिक एसिड सीरम है वो यूज़ कर रही हूँ, 3 ड्रॉप्स इनफ है। और उसको मैं पूरे फेस पर स्प्रेड करने के बाद डैप डैप करूँगी। तो यहाँ ये बता रही हूँ मैं कि अल्फा आरबुटिन भी आप यूज़ कर सकते हो, वाइटामिन सी भी यूज़ कर सकते हो डर्मा प्लानिंग के बाद, कोई इशू नहीं है, ये देख सकते हो। उसके बाद मैं अपना स्लिपिंग मास्क यूज़ करूँगी, जो मैंने DIY है मैंने आपको सिखाया है विटामिन सी स्लिपिंग मास्क, और सम रिज़ल्ट है उस स्लिपिंग मास्क के। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो आप जाकर देख सकते हो। तो यहाँ जो है मैं अपना DIY विटामिन सी स्लिपिंग मास्क यूज़ करूँगी, बहुत अच्छे से इसको शेक कर लेंगे, ठीक है, और ये तो जितना चाहो फेस पर अप्लाई कर लो यार, इसका कोई वो नहीं है कि इतनी क्वान्टिटी लेनी है कम या ज़्यादा, जितना चाहे इसको अप्लाई कर सकते हो, डबल लेयरिंग भी कर सकते हो, इसकी ऑसम रिज़ल्ट है इसके। काफ़ी सारा मैंने फेस पर अप्लाई किया है और इसको मैं फेस पर मसाज कर रही हूँ। डार्क सर्कल्स भी अप्लाई कर लो उसको, बहुत ऑसम रिज़ल्ट है इसके यार, बहुत ऑसम। और मेरे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स हैं, उनका फीडबैक आ रहा है कि ऑसम रिज़ल्ट उनको मिल रहे हैं इसके। ये हल्का सा जो है मसाज कर लो फेस पर, मसाज कर लिया करो यार, हल्का सा मसाज कर लिया करो। इसको अप्लाई करने के बाद मसाज करके डैप डैप करके आप मेरी स्किन देख सकते हो कितने अच्छे से हाइड्रेट हो गई है। डर्मा प्लानिंग करो या कुछ भी करो फेस पर, उसके बाद अपनी स्किन को अच्छे से हाइड्रेशन दे दिया करो। ये नज़र आ रहा होगा आपको कितने अच्छे से मेरी स्किन हाइड्रेट हो गई है। अब जब तक ये स्किन में ऑब्जॉर्व हो रहा है, मैं बाकी के स्टेप्स निपटा लेती हूँ, जो कि है लिप्स को भी हाइड्रेट करना होता है लाजमी। तो यहाँ मैं लिप बाम यूज़ कर रही हूँ और यहाँ लिप्स भी मेरे अच्छे से हाइड्रेट हो गए हैं,
और स्किन जो है उसमें जो भी सीरम से अप्लाई किए थे वो भी अच्छे से ऑब्जॉर्व हो गए हैं। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो कि है मॉइस्चराइज़र, मॉइस्चराइज़र जो है हमारा लास्ट स्टेप होता है, जो भी हमने फेस पर लेयरिंग करी होती है उसको लॉक कर देता है। लेकिन अगर आप वाइटनिंग क्रीम यूज़ करते हो तो मॉइस्चराइज़र के बाद आप वाइटनिंग क्रीम भी अप्लाई कर सकते हो, या मेरी स्किन देख सकते हो माशाल्लाह से ब्यूटीफुल 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 हो गई है मेरी स्किन। तो आप देख सकते हो डर्मा प्लानिंग के बाद मेरी स्किन का रिज़ल्ट बेहतरीन रिज़ल्ट आया है। तो डर्मा प्लानिंग घर में करो, कॉस्मेटोलॉजिस्ट और डर्माटोलॉजिस्ट के पैसे बचाओ। मैं यहाँ बैठी हूँ आपको सब कुछ घर में सिखाने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, लाइक करो। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।